Hello, Namaskar, good evening, and welcome back to this absolutely amazing session brought to you by Vaidyamitram IoT e-learning platform. मैं डॉक्टर प्रतिभा पांडे आप सभी दर्शकों का स्टूडेंट्स का रिस्पेक्टेड फैकल्टीज का वैद्यमित्रम द्वारा आयोजित इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप सभी को शुक्रिया कहती हूं कि आपने वैद्यमित्रम को अपने लर्निंग सेशंस का साथी बनाया, हमें अपना फ्रेंड बनाया. थैंक यू सो मच. वैद्यमित्रम आयुर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आयुर्वेद जगत के एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, प्रैक्टिशनर्स एंड योगा एक्सपर्ट्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि नित्य नए इंफॉर्मेटिव सेशंस आपके लिए लाता है ताकि आपके समय का सदुपयोग हो सके, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज हो सके. तो आज अभी ये जो सत्र है इसमें वैद्यमित्रम आपके लिए लाया है ऑनलाइन इंटरकॉलेज गेस्ट लेक्चर कम डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन सीरीज एंड ये एक्सक्लूसिवली है डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर के द्वारा यह सीरीज चलाई जा रही है और इसका टॉपिक है बाउंडलेस फिजियोलॉजी क्रिया शरीर. जी हाँ, और इसी थीम के अंतर्गत मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ थर्ड सेशन. आज हमारा सेशन भी साइंटिफिक सेशन है जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, आपको मिलवाऊंगी आज के हमारे गेस्ट स्पीकर्स, देन हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं अपनी प्रेजेंटेशंस लेकर. तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि आयुर्वेद जगत के विभिन्न महाविद्यालयों के क्रिया शरीर विभाग के बहुत ही अनुभवी वैद्य, टीचर्स एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स इस माध्यम से आपसे जुड़ते हैं एंड प्रेजेंट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी प्रेजेंटेशंस एंड आपको इंकरेज करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप भी हमसे जुड़ें और अपने प्रेजेंटेशंस इस माध्यम से अपने आयुर्वेद जगत के और भी स्टूडेंट्स तक, अपने जूनियर्स तक और अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करें. मैंने लास्ट टाइम भी आपको इनवाइट करा था कि आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ शानदार टॉपिक है, कुछ प्रेजेंटेशन है जो कि आप हमारे टॉपिक, जो करंट टॉपिक है आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी दैट इज क्रिया शरीर, आप इससे रिलेटेड कुछ प्रेजेंटेशन अगर दे सकते हैं तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करें, हमें कॉन्टैक्ट करें. तो आज के सेशन को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान श्री धन्वंतरी जी को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं आज का ये साइंटिफिक सेशन. सबसे पहले आज हमारे साथ गेस्ट स्पीकर के रूप में जुड़ रही हैं डॉक्टर विनीता पाटिल. डॉक्टर विनीता पाटिल का परिचय मैं आपसे कराती हूँ. मैम इन द डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन भोपाल. तो चलिए बिना किसी देर के मैं सबसे पहले मैम को ही इन्वाइट कर लेती हूँ. सो लेट अस इन्वाइट डॉक्टर विनीता पाटिल. मैम आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़ी. तो चलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मैम का टॉपिक आपको बता दूं. मैम आपसे आज बात करने वाली है एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू कार्डियक आउटपुट. मैम अब ये ओवर टू यू, आप आए हमारे दर्शकों से जुड़े और अपने ज्ञान से उन्हें अभिभूत करें. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. Yeah, good evening everyone. This is Dr. Vinita Patil. I'll first introduce myself. I'm Dr. Vinita Patil, Assistant Professor. I'm MD Ayurveda in Kriya Sharir and MBA Pharmaceutical Marketing. I'm working as Assistant Professor from past 2 years, and before that I'm holding an exclusive experience of 8 years in medical marketing in different pharma giants in different capacities, starting my career as an executive to senior manager. And I worked with companies like Alembic, Novartis, and my last assignment was with Zydus Cadila. And I have an exclusive experience of training and skill development, more than 1,000 medical reps, area managers, zonal managers, and national managers I have trained during my tenure during pharmaceutical medical marketing experience. And now with this MD marketing, MD physiology Ayurveda degree, I'm working as assistant professor and connecting with the students across. And I hope my students from Gujarat, Jaipur and Indore is also connected. I can see few of them. So
So without any delay, I would like to start the session for the day. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So with permission of Dr. Chauhan sir and Dr. Radhika madam, I'm starting the session. Introduction to the human cardiovascular system with a special reference to cardiac output. Introduction, the cardiovascular system is a transport system of the body. The conveying media is liquid in the form of blood, which flows in closed tubular system. The cardiovascular system consists of heart, blood vessels, and blood. So basically, CVS ke transport system hai, aur is transport system ke andar jo media hai, jo fluid hai, wo jo beh raha hai, wo blood hai, aur ye blood behta hai blood vessels ke andar. So when we talk about CVS, we talk about all three. Yes, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो आपका जो स्क्रीन है उसको फुल कर लीजिए तो और क्लियर दिखाई देगा आपका. अभी फुल स्क्रीन कर लीजिए. हाँ, अभी अभी हॉरिजॉन्टल हुआ, इसको वर्टिकल. हाँ, इट्स बेटर नाउ. ओके सो हार्ट ब्लड वेसल्स एंड अभी भी आप चाहे तो इसको अभी और इसका जो है वो सर मैं एक्चुअली फोन से कनेक्टेड हूं तो चलो ठीक है. Blood vessels and heart, blood vessels and blood. So blood is approximately 5 liters, and this blood flows into the blood vessels. Blood vessels are the arteries, veins, and the capillaries. Cardiovascular system responsible for transporting oxygen, nutrients, hormones, and cellular waste products throughout the body. The cardiovascular system is powered by body's hardest working organ, the heart. Even at the rest, the average heart easily pumps over 5 liters of the blood throughout the body every minute. Rest ke position mein bhi heart itna efficient aur sabse zyada hard working organ hai jo ki 5 liter blood throughout the body every minute pump karta hai. So now coming to the functions of CVS, so in brief, the functions are transport nutrients, hormones, remove waste products, gaseous exchange, immunity, blood vessels transport blood, carries oxygen and carbon dioxide, also carries nutrients and waste, heart pumps blood through the blood vessels. So now coming to the heart, because the blood ho gaya hai, I think last time, and the blood vessels hamara arteries, capillaries or veins hoga. So heart mein hum log dekhenge pehle brief mein gross anatomy, cone shaped organ about the size of the loose fist. Ye cone shape hota hai aur is ek mutthi ke barabar iska size hoga. So मुट्ठी मीन्स आपकी मुट्ठी, जब बच्चा होगा तो बच्चे का मुट्ठी स्मॉल होता है तो उसका हार्ट उस साइज का मान सकते हैं, एंड अडल्ट का अकॉर्डिंग टू हिज फिस्ट और हर फिस्ट. इट लाइज इन द मीडियास्टिनम, एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेवल ऑफ सेकंड रिब टू अबाउट द लेवल ऑफ सिक्स्थ रिब. इट इज स्लाइटली लेफ्ट टू द मिड लाइन. हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स. सो द अपर चैम्बर्स लेफ्ट एंड राइट atria, they are separated by the interarterial septum, and the 2 ventricles, left and right ventricles, are separated by the interventricular septum. So ye dono atria aapas mein interarterial septum aur dono ventricle interventricular septum se separate honge, aur atrium aur ventricle dono separate honge atrioventricular septum ke dwara. So is tarah se 3 septum ho gaye. दो सेप्टम हो गए एट्रिया और वेंट्रिकल्स के म्यूचुअल बीच में, और एक एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में. इसके बाद में वॉल्व होते हैं हार्ट में, तो 4 वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व,
bicuspid valve, pulmonary valve, and aortic valve. So, tricuspid valve prevents blood from flowing back into the right atrium when the right ventricle contracts. Bicuspid valve prevent blood from flowing back into the left atrium when the left ventricle contracts. Pulmonary valve prevent the blood flow from flowing back into the right ventricle, and aortic valve prevents the blood from flowing back into the left ventricle. Abhi tricuspid valve jo hoga, wo jo bhi right atrium se blood jab right ventricle mein jayega, to it will take care ki wo blood wapas se regurgitate hoke upar na jaye. Similarly, left side mein left atrium se jab left ventricle mein blood jata hai, तो वहां पर ये बाइकस्पिड वॉल्व होता है और ये फिर ब्लड का बैकफ्लो प्रिवेंट करता है. पल्मोनरी वॉल्व प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द राइट वेंट्रिकल. अभी पल्मोनरी वॉल्व बेसिकली पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और ये वॉल्व क्या करता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, तो यहाँ से जो ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक के अंदर वो वापस फ्लो बैक ना करे, तो ये इस बात को टेक केयर करता है. देन एओटिक वॉल्व, एज द नेम सजेस्ट, ये होगा एओटा, जो एओटा आर्टरी है और लेफ्ट वेंट्रिकल के जंक्शन पर, और ये भी ब्लड के फ्लो बैक को प्रिवेंट करेगा. सो दिस इज हाउ द टोटल स्कीम लुक्स लाइक. Now coming to the very beautiful part, that is the circulatory pump system. The heart is a four-chambered double pump where each side, left and right, operate as a separate pump. तो ये double pump है, a right side और left side, दोनों तरफ अलग अलग circulation चल रहा है. हमने देखा है दो circulation, basically हम देखते हैं systematic circulation और pulmonary circulation. एक होता है हार्ट और लंग के बीच में, जिसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, और हार्ट और बॉडी के बीच में, जिसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं. द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ मस्कुलर वॉल ऑफ टिश्यू नोन एज अ सेप्टम ऑफ द हार्ट. द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सिस्टमेटिक वेन्स एंड पंप्स इट इनटू द लंग्स फ्रॉम of lungs for oxygenation. Right side जो होगा heart का, वहाँ पर deoxygenated blood आता है, पूरे body से आया deoxygenated blood, अभी systematic veins से आएगा. ये veins हो गई superior vena cava and inferior vena cava. ऊपर का जितना भी blood है वो superior vena cava से, और lower body का inferior vena cava से. ये पूरा deoxygenated blood आ गया right hand side में heart के right atrium में. Then left side of the heart receives oxygenated blood from the lungs and pumps it through the systematic arteries to the tissues of the body. जो left side होगा heart का, वो oxygenated blood receive करेगा lungs से, atrium to ventricle जाएगा, फिर ventricle से aorta में जाएगा, and then aorta पूरा distribute करेगी throughout the body, different arteries में distribute होते हुए. Each heartbeat results in the simultaneous pumping of both sides of the heart, making heart a very efficient pump. Her heartbeat ek action produce karti hai aur is heart ko ek bahut hi efficient pump banati hai. Actually jo usually student dekhte hain cardiac cycle, so actually ek heartbeat mein jo pura event hota hai wo cardiac cycle hoti hai, usi ke wajah se ek heartbeat generate hui, और उसी की वजह से जो हमारा मेन टॉपिक है आज का कार्डियक आउटपुट. सो कार्डियक आउटपुट मिला जो 5 liters हमें बॉडी को हार्ट प्रोवाइड करता है 1 मिनट में. एक ब्लड फ्लो का स्कीम देखेंगे. अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट साइड ऑफ डायग्राम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी, ये आता है बॉडी में, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसी समय साइमल्टेनियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट के अंदर आता है राइट साइड में. अब वेंट्रिकल में क्या होता है, दोनों वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स जाएगा, और राइट साइड के वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट टू द बॉडी. ऐसे उसको एक बार हम एक स्कीम में देख लेते हैं. बॉडी From the body, complete full deoxygenated blood. First of all, it comes to the right atrium.
फ्रॉम राइट एट्रियम टू द ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व से ये आगे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड जाएगा पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व में। आई थिंक समबडीज माइक इज ऑन। प्लीज म्यूट योर माइक्स। डॉक्टर विनीता आपका अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर विनीता कंटिन्यू करिए। डॉक्टर विनीता आप कर पा रहे हैं? सर विजिबल है अभी स्क्रीन? यस इट इज विजिबल। ओके सर थैंक यू। इसको स्लाइड शो कर सकते हैं आप? तो स्लाइड शो कर लीजिए फुल स्क्रीन। सर स्लाइड शो सर मैं करती हूं, कोशिश करती हूं। आई टॉप टॉप पे जो एरो बना हुआ है ना ये एरो? हां ये वाला एरो नहीं चला गया उससे फिर से। चलो कोई बात नहीं, जैसे आप कर पा रहे हैं। एक्चुअली फोन से है तो आई थिंक इसलिए स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका? हो
रहा है सर भी? ओके सर, हाँ हाँ हो रहा है। सर मैं स्लाइड शो करके देखती हूँ एक बार अगर होता हाँ हो। हाँ 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 यदि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो तो हम दूसरा स्टार्ट कर लेते हैं। डॉक्टर पुनीता इज रेडी। विनीता यदि आपको कुछ प्रैक्टिकल मैम कनेक्टिविटी नहीं, हो गया, स्लाइड शेयर करने का बोल रहे थे ना सर, तो मैं उस पे थोड़ा चेक कर रही थी, तो हो गया है वो। ओके क्योंकि ना अभी वी हैव लिमिटेड। हो गया अभी आपका ना, आप शुरू करिए। ओके इट्स 4:25 हो रहा है कार्डियक बेटा, 4:25 हो रहा है, तो आपको यू 4:40 पर कंप्लीट करना है ना, फिनिश करना है। ओके मैम, ओके या कार्डियक आउटपुट, सो कार्डियक आउटपुट डेफिनेट वी विल सी इन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन जो होते हैं कार्डियक आउटपुट पे, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड फैक्टर्स मेंटेनिंग द कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, यूजुअली इट रिफर्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट थ्रू एओर्टा। कार्डियक आउटपुट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बिकॉज रेट ऑफ फ्लो थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द कार्डियक आउटपुट। बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर आता है वो कार्डियक आउटपुट कहलाता है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज इजेक्टेड फ्रॉम द ईच वेंट्रिकल पर मिनट एट रेस्ट एंड इसकी वैल्यू है अबाउट 5 liters पर मिनट। अब इसको हम लोग अगर फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम वो अमाउंट है कि एक जो ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल नॉट पर मिनट बट पर बीट पर हार्ट बीट। सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच एट रेस्ट 7 mL एंड हार्ट रेट वी नो दैट इज अराउंड 75 per minute. So cardiac output is the product of both. अब इसमें कुछ important definitions आती है जैसे कि stroke volume, minute volume और cardiac index. In practical clinical practice, cardiac output को हम minute volume ही कहते हैं, मतलब अगर जो लिखते हैं वो minute volume लिखेंगे reports में usually. Stroke volume is the amount of blood pumped out by each ventricle during each beat, 70 mL. अगर इसे फॉर्मूला के फॉर्म में देखे तो इट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस सिस्टोलिक वॉल्यूम। सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब डायस्टोल इज रिलैक्सेशन एंड सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन। सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 mL माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 mL। तो इस तरीके से प्रोडक्ट हो जाता है 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70 mL। Minute volume is same the way cardiac output is. It is also 5 liters per ventricle per minute and stroke volume into heart rate. Cardiac index. Cardiac index is the minute volume expressed in relation to the diameter of body surface. It is defined as the amount of blood pumped out per ventricle per minute per square meter of body surface area. So its normal value is 2.8 plus minus 0.3 liters per square meter of body surface. And in adult, where the surface area is 1.734 square meter, the normal value will come up to 5 liter. Means body ke build ke hisab se hoga. Usi hisab se fir cardiac output bhi hoga. Ejection fraction. Ejection fraction is a fraction of end diastolic volume that is ejected out by each ventricle. And normally, ये परसेंटेज में बताया जाता है 60 to 65%।
सो अगर फॉर्मूला के फॉर्म में देखना है तो इजेक्शन फ्रैक्शन इज स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. सो एन इजेक्शन फ्रैक्शन इज लेस देन 50% इज कंसिडर्ड टू बी अबनॉर्मल, अ कंडीशन दैट मे अकर टू द कार्डियक फेलियर. एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये इजेक्शन फ्रैक्शन 90% तक इंक्रीज हो जाता है. Cardiac reserve. Then cardiac reserve is the maximum amount of blood that can be pumped out by heart above the normal value. जो normal value है 5 लीटर उसके ऊपर heart कितना pump कर सकता है. जैसे exercise का condition होता है, stress का condition होता है, तो वहाँ पर जो cardiac reserve है वो work करेगा. अगर normal healthy adult को देखिए तो cardiac reserve होगा 300% to 400%. और ओल्ड एज में ये हो जाता है 200 to 250%, एंड इट इंक्रीजेस अप टू 500 to 600% इन द एथलीट्स. और कार्डियक डिजीज में ये कार्डियक रिजर्व आपको वैल्यू नील मिलेगा. सो इस तरीके से इसको अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में देखेंगे तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेस्टिंग एंड मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट. रेस्ट पे हार्ट कितना आउटपुट देता है और एक मैक्सिमम एक्सरसाइज या स्ट्रेस पे कितना देता है, उसका जो डिफरेंस होगा वो कार्डियक रिजर्व हो जाएगा. अब वेरिएशन इन कार्डियक आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन एंड पैथोलॉजिक वेरिएशन. तो ये जो कार्डियक आउटपुट है किन कंडीशंस में नेचुरली या ऑटोमेटिकली वेरी करेगा, चेंज होगा. सो अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, बॉडी बिल्ड, डायगोनल वेरिएशन, एनवायरमेंट, इमोशंस, खाना खाने के बाद में, एक्सरसाइज में, हाई एल्टीट्यूड, पोस्चर, प्रेगनेंसी और स्लीप, इन सब कंडीशंस में फिजियोलॉजिकली ये वेरी करता है. सो हम लोग देखेंगे जैसे इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्या होगा, ये लेस होगा क्योंकि उनका वॉल्यूम लेस होता है. फीमेल कार्डियक आउटपुट मेल्स के कंपैरिजन में कम होगा क्योंकि मेल्स में ब्लड वॉल्यूम कम है. बॉडी बिल्ड, डायर्नल वेरिएशंस मीन सुबह अर्ली मॉर्निंग में कार्डियक आउटपुट कम हो, एंड जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे ये इंक्रीज होगा. बेसल कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल. एनवायरमेंटल जैसे तो कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है इसका, बट जब टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट हो जाएगा. एंग्जायटी, एप्रिहेंशन में कार्डियक आउटपुट 50 to 100% बढ़ जाएगा ड्यू टू द रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस. खाना खाने के बाद आफ्टर मील्स पहले आर में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, और एक्सरसाइज के टाइम में जो कार्डियक आउटपुट होगा वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द हार्ट रेट, बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट इन टू स्ट्रोक वॉल्यूम. हाई एल्टीट्यूड पे ड्यू टू द इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन इट इंक्रीजेस. पोस्चर, जब आप रेस्टिंग पोजिशन से अपराइट पोजिशन में जाते हो तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है. प्रेगनेंसी में आउटपुट 40% इंक्रीज हो जाता है लेटर मंथ्स में ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. स्लीप टाइम में कार्डियक आउटपुट स्लाइटली डिक्रीज होता है या फिर ये कोई अनअल्टर्ड रहता है, कोई फर्क नहीं होता. अब पैथोलॉजिकल कंडीशन जहाँ डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर्स में जैसे फीवर में इंक्रीज होगा, एनीमिया में और हाइपरथायरॉइड में इंक्रीज हो जाएगा, कि कुछ कंडीशंस में डिक्रीज हो जाता है. वो कंडीशंस है हाइपोथायरायडिज्म, एट्रियल फिब्रिलेशन, इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक विद द कोरोनरी स्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल डिजनरेशन, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, शॉक एंड हीमोरेज. सो इन कंडीशन में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट अगर हम देखें कि टोटल बॉडी में ये डिपेंड करता है, distributed to the particular region or organ depends upon the metabolic activity of the region or organ. So distribution of the blood pumped out of the left ventricle to the heart. इसे पूरा 5 लीटर, 5 लीटर में से 30% 1500 ml लीवर को मिलता है, 1300 ml किडनी को मिलता है, 900 ml skeletal muscles को मिलता है, brain को मिलता है 800 ml, skin, bone and tract को सब इनको मिलाके 300 ml. हार्ट जो कि खुद सारा हार्डेस्ट वर्किंग ऑर्गन है, 200 ml पर मिनट में इतने ब्लड में ऑपरेट करता है. और हार्ट के सर्कुलेशन को कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू अलग से मिलता है हार्ट को.
So liver receives the maximum amount and heart receives the minimum amount. So factors रेगुलेशन ऑफ कार्डियक क्या करना है कुछ हेट्रो होमो रेगुलेशन बिल्कुल सिंपल बेसिक है इसका कि आपका कार्डियक आउटपुट क्या है इनटू हार्ट रेट है तो जो इसका रेगुलेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा हार्ट और दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम पे तो हार्ट रेट अगर अफेक्ट हो गई हार्ट रेट को अफेक्ट करती आउटपुट को अफेक्ट करेगी और जो स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या अफेक्ट करेगा तो ये जो वीनस रिटर्न है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रेजिस्टेंस है ये तीनों फैक्टर्स जो होते हैं ये स्ट्रोक वॉल्यूम के वॉल्यूम को डिसाइड करते हैं तो ये अफेक्ट करता है तो यू कैन इजिली पुट दिस पार्ट इन द रेगुलेशन एंड यू नीड टू मेंशन इट आल्सो सो वीनस रिटर्न अब जैसे पिछले स्लाइड पे फिर से जाऊंगी शॉर्ट में अगर देखा जाए तो वीनस रिटर्न फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट से कार्डियक आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब जब भी ये तीनों बढ़ेंगे तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा और पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है इससे कार्डियक आउटपुट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जब भी कार्डियक आउटपुट जब बढ़े जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा जब भी ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो बेसिकली इतना ही इसमें बस एक ट्विस्ट है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में इट इज इन जनरल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बट विथ सम कंडीशन अप्लाइज वो कंडीशन क्या है कि प्रीलोड और आफ्टर लोड पे डिपेंड करता है अब ये प्रीलोड एंड आफ्टर लोड इम्पोर्टेंट इसलिए है कि समटाइम्स इन सम बुक्स लाइक हरविंदर सिंह में आप देखेंगे कि जो एल्सेवियर का आता है पब्लिकेशन फंडामेंटल्स ऑफ फिजियोलॉजी उन्होंने उसमें रेगुलेशन को बोला है होमो रेगुलेशन एंड हीट्रो रेगुलेशन सो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट मसल्स जो कि प्रीलोड एंड आफ्टर लोड से डिसाइड होती है सो अगेन यू आर ऑन द राइट ट्रैक इफ यू हैव कंट्रोल ऑन दिस फोर फैक्टर्स सो प्रीलोड क्या है प्रीलोड है स्ट्रेचिंग ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर एट द डायस्टोल जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन एंड इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉज्ड बाय द फीलिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोल तो जब भी जो स्ट्रेचिंग होगी मसल फाइबर्स की लेंथ इंक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो ये कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा तो प्री लोड से तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आफ्टर लोड से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आफ्टर लोड अब मैं थोड़ा सा पीछे याद दिलाऊंगी हमने देखा था कि एओटिक वॉल्व होता है और पल्मोनरी वॉल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को जाना है इन वॉल्व के थ्रू इन पल्मोनरी आर्टरी और एओटा तो अब क्या जब ये ब्लड जाएगा ना तो इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है दोनों साइड से तो आफ्टर लोड कुछ नहीं है आफ्टर लोड लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या है एओटिक प्रेशर जो एओटा की वजह से जो प्रेशर अप्लाई होता है वो और आफ्टर लोड राइट वेंट्रिकल का क्या है पल्मोनरी आर्टरी में मतलब हार्ट का चैम्बर तो वाइड है और ये आर्टरी तो दोनों कंपैरेटिवली थिन होगी तो जो इस पे जो ये अपोजिट प्रेशर लगाता है वो होता है आफ्टर लोड सो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड कार्डियक आउटपुट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आफ्टर लोड बस इतना सही है कि प्री लोड से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्डियक आउटपुट और आफ्टर लोड ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल सो हार्ट रेट अब हार्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्डियक आउटपुट यस बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम सो व्हेनेवर देयर इज अ मार्क्ड चेंज इन द इंक्रीज इन द हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज अब यहाँ थोड़ा सा रेगुलेशन पे भी बात कर लेंगे कि हार्ट रेट को क्या रेगुलेट करता है हार्ट रेट को बेसिकली एएनएस रेगुलेट करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अब वहां से पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है रेगुलेट तो पैरासिम्पैथेटिक टोन जो होगी वो हमेशा हार्ट रेट को डिक्रीज करेगी और जो सिंपैथेटिक टोन होती है वो हार्ट रेट को हमेशा इंक्रीज करती है तो कैसे रेगुलेट हो गई हार्ट रेट थ्रू सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक तो हम इसको कह देंगे कि कार्डियक आउटपुट कैसे रेगुलेट हो गया जैसे कि हार्ट रेट रेगुलेट हो गई इन द सेम वे ओके सो इसके बाद में पेरिफेरल रेजिस्टेंस से जैसा हमने बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
सो जब भी रेजिस्टेंस और पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो आर्टरी के आगे ब्रांचेस आर्टरियोल्स आर द रेजिस्टेंट वेसल्स एंड इन द बॉडी मैक्सिमल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड एट द स्प्लेंचनिक रीजन. तो ये स्प्लेंचनिक रीजन में मैक्सिमम मिलता है. इसके बाद हम लोग आएंगे मेजरमेंट ऑफ कार्डिक आउटपुट. ये लास्ट सेगमेंट है हमारा. इसमें जो मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो एनिमल्स में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से होता है जो कि कार्डियोमीटर और फ्लोमीटर है. और जो ह्यूमन बीइंग्स है उसमें जो मेथड्स अभी तक इन्वेंट की गई है या यूजफुल है वो फिक प्रिंसिपल, इंडिकेटर डायल्यूशन टेक्निक, थर्मो डायल्यूशन टेक्निक, अल्ट्रासोनिक डॉपलर ट्रांसड्यूसर टेक्निक, डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी और बैलिस्टो कार्डियोग्राफी. ये सब 6 टेक्निक्स है. इसमें से जो प्रैक्टिकली जो अप्लाइड फिजियोलॉजी हम बोलेंगे या प्रैक्टिकली यूज होती है वो होती है इकोकार्डियोग्राफी, ऑल्सो कॉल्ड एज डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी. तो ये क्यों है, क्योंकि कन्वीनियंट है पेशेंट के लिए. इसमें इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव होती है, कोई लिक्विड वगैरह इंजेक्ट नहीं करना पड़ता है. डायरेक्टली इससे वेव्स को रीड कर सकते हैं, हार्ट के चैम्बर्स के बारे में जानकारी मिल जाती है. तो यूजुअली आपने कभी घर में भी सुना होगा कि भाई इको होना है, ईसीजी हो गया, ईसीजी में ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है, अब हमें आगे इको करना है. अब ये इको जो होता है किसी किसी के पास में अच्छा मशीन होता है, दे कंबाइन इट विद द डॉपलर. जब वो डॉपलर से कंबाइन कर देते हैं तो आपको वेलोसिटी ऑफ ब्लड इन द हार्ट एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द हार्ट इसकी भी एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाती है. तो आपको डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली यहाँ पर अंडरलाइन या याद रखना है कि यूजुअली कार्डियोलॉजिस्ट यूज दिस मेथड टू असेस योर हार्ट. अब इसके बाद में डायरेक्टली लास्ट में अप्लाइड फिजियोलॉजी, क्योंकि डिजीज सीवीएस की है तो सीवीएस में हम लोग जो ब्लड ब्लड वेसल्स और हार्ट तीनों से रिलेटेड डिजीज को हम इसके अंदर लेंगे. हाइपरटेंशन, यू नो दैट वेन एवर इट इज इक्वल टू और मोर देन 140 और 90 mmHg से ऊपर जाएगा तो हाइपरटेंशन होगा. ल्यूकेमिया, बोन मैरो प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ अबनॉर्मल WBCs, हार्ट नॉर्मल हार्ट साउंड्स आना. मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक, डैमेज टू द कार्डियक मसल ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई. देन सिकल सेल अनेमिया, थैलेसीमिया, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड वेरिकोज वेन्स. अभी दोनों ब्लड की है बट ये इन्वॉल्व होगी क्योंकि ब्लड से रिलेटेड है. ब्लड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सीवीएस. वेरिकोज वेन्स ऑल्सो यू गाइज नो इट इज अ ट्विस्टेड डायलेटेड वेन्स सीन इन द लेग्स, बेसिकली ग्रैंड मदर्स वगैरह के पैरों में हम देखते हैं. थोड़ा ब्लूइश आपको नेटवर्क दिखेगा पैर में. अब इसमें अप्लाइड फिजियोलॉजी में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब बात हार्ट की कर रहे हैं तो ये फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इट्स नथिंग बट इट इज जस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज अ हार्ट अटैक. तो हार्ट से जो संबंधित भाई हार्ट से जो सबसे इंपॉर्टेंट वो आता है हार्ट अटैक आया, एंजाइना का पेन उठा है. सो इट इज बिकॉज ऑफ द नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियम कॉज्ड बाय द इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो ड्यू टू द एम्बोलस थ्रोम्बस और वास्कुलर स्पास. इट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक एंड इसकी वजह से डेथ अकर्स रैपिडली. Myocardial stunning is also one of the term which is seen in it and it is called as a dysfunction of heart caused by the mild reduction in the blood flow. जो हमें outflow मिलना चाहिए अगर उसमें कमी आ गई तो आपको myocardial stunning मिलता है. A substantial reduction in coronary blood flow causes the ischemia followed by necrosis. Coronary blood flow मतलब coronary artery ही heart को supply कर रही है. जो heart को supply करने वाली artery के blood में अगर reduction हो गया तो फिर आपको हार्ट को प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगा. द माइल्ड रिडक्शन द ब्लड फ्लो कॉजेस ओनली इस्कीमिया एंड इट मे नॉट बी सफिशिएंट टू कॉज नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियम. माइल्ड रहा तो ये नेक्रोसिस नहीं करेगा मायोकार्डियम का. सो हाउएवर इट प्रोड्यूस सम शॉर्ट लिव्ड मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस और डिसफंक्शन इन द हार्ट एंड सिंस इट इज शॉर्ट लिव्ड हार्ट रिकवर्स कम्प्लीटली फ्रॉम दिस. जब ये शॉर्ट या माइल्ड रिडक्शन होता है हार्ट आराम से रिकवर कर जाता है, पर जब सब्सटेंशियल रिडक्शन हो जाएगा तो वो जो फाइनल हार्ट अटैक वाला स्थिति हो जाता है. सो आप कुछ सिम्टम्स होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के, जैसे कि कार्डियक पेन, नौशिया, वॉमिटिंग, पाल्पिटेशंस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एक्सट्रीम वीकनेस, स्वेटिंग एंड एंजाइटी. एंड विद दिस आई एंड माय प्रेजेंटेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली. थैंक यू एवरीवन. Now over to the next speaker. Pratibha.
Thank you so much, Dr. Vinita Patil. In spite of the technical difficulties you faced while presenting this lecture, you gave this lecture very beautifully, and it was a very informative and I must say very knowledge enhancing lecture. Thank you so much, ma'am. चलिए अब अपने साइंटिफिक सेशन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि हमारे पास है बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स, बोथ फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन, जो कि आज आपसे शेयर करेंगे अपनी बहुत ही क्रिएटिव एंड नॉलेजेबल प्रेजेंटेशंस। तो अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी, सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगी डॉक्टर पुनीता शर्मा. She is doing post graduation in the department of Priya Sharir from NIA Jaipur. So let us invite Dr. Punita Sharma. Aaj wo aapse baat cheet karengi unke topic heart rate and overview pe. Dr. Punita Sharma, aapka bahut bahut swagat hai. Dr. Punita. Thank you, ma'am. Thank you so much. गुड इवनिंग टू ऑल. यहाँ पे प्रेजेंट सभी मेरे गुरुजनों, श्रोतागणों का मैं अभिनंदन करती हूँ. माई सेल्फ डॉक्टर पुनीता शर्मा, परस्यूइंग एमडी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड जयपुर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक क्रिया. माई टॉपिक इज हार्ट रेट एंड ओवरव्यू. वाई हार्ट रेट इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज हार्ट रेट रिप्रेजेंट्स द हार्ट फंक्शन एंड हार्ट फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. So that's why heart rate is also very important. First of all, we will see the physiological review. The normal heart rate is between 60-100 per minute in the adult. और जो heart rate होती है उसका मतलब होता है कि जो cardiac pacemaker है उसका rate of discharge क्या है. तो जो हमारी हार्ट है उसमें जो प्राइमरी पेसमेकर है वो ऐसे नोड होती है, तो ऐसे नोड का रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है उसी को हम बोलते हैं हार्ट रेट. हार्ट रेट जो होती है अगर वो 60 से कम होती है तो उसको ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, और अगर हार्ट रेट 100 से ग्रेटर होती है तो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं. नाउ वी विल सी फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस. जैसा कि डॉक्टर विनीता मैम ने बताया, कार्डियक आउटपुट को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सेम वही फैक्टर्स जो हैं वो हार्ट रेट को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हार्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्डियक आउटपुट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्क्राइब एज. एज जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो इन्फेंट्स होते हैं एंड चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ज्यादा होती है हार्ट रेट एज कम्पेयर टू एल्डर वंस. एंड अकॉर्डिंग टू जेंडर, फीमेल्स में कम रहती है हार्ट रेट, क्योंकि उनका हाई पैरासिम्पैथेटिक टोन होता है. और जो ये हाई पैरासिम्पैथेटिक टोन होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में, आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि ये क्या होती है. डायुरिनल वेरिएशंस, अकॉर्डिंग टू द डायुरिनल वेरिएशंस, डे के टाइम पे हार्ट रेट जो है वो ज्यादा रहती है ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटीज एंड मोर पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज. और नाइट के टाइम पे चूंकि एक्टिविटीज लेस हो जाती हैं इसलिए इसकी जो हार्ट रेट है वो लेस हो जाती है. बट जो हमारी स्लीप का REM फेज होता है उस दौरान हमारी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पर जो हमारा ब्रेन होता है उसकी बहुत से जो एरियाज होते हैं वो एक्टिवेट रहते हैं. इसके बाद है रेस्पिरेशन. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो हार्ट रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और इस फिनोमेनन को बोलते हैं साइनस एरिथमिया. बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, और अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है. फूड इनटेक, फूड इनटेक के बाद में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म. ये इस प्रेजेंटेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि सम कंडीशंस होती है जिसमें हमारी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और सम कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारी हार्ट रेट जो है डिक्रीज हो जाती है. तो ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से हमारी जो बॉडी होती है वो हार्ट रेट को कंट्रोल करती है.
फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अगर हमारी हार्ट रेट वेरी करती है तो हमारी जो बॉडी होती है उसको वो वापस नॉर्मल कंडीशन में लेके आती है, क्योंकि बॉडी में परफेक्टली ट्यून्ड रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होता है वो वर्क करता है, और मेनली जो हार्ट रेट होती है उसको रेगुलेट करने वाला जो मैकेनिज्म है वो नर्वस मैकेनिज्म होता है। और इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेसोमोटर सेंटर, सेकेंड इज मोटर नर्व फाइबर्स टू द हार्ट, ये वो फाइबर्स होते हैं जो ब्रेन से इम्पल्स को लेके आते हैं हार्ट तक, और फिर आते हैं सेंसरी नर्व फाइबर्स जो कि हार्ट से इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं ब्रेन तक। नाउ वेसोमोटर सेंटर, इसको हम कार्डियक सेंटर भी बोलते हैं, और ये क्या करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, और यही जो ब्रेन में सेंटर होता है ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। और इसकी जो सिचुएशन होती है वो लोअर पार्ट्स ऑफ द पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा के रेटिकुलर फॉर्मेशन के बायलिटरली ये सिचुएटेड होता है। वेसोमोटर सेंटर जो होता है उसके 3 एरियाज होते हैं, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया, वेसोडायलेटर एरिया एंड सेंसरी एरिया। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है, यहाँ पर ये यहाँ पर लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स है और यहाँ पर ये मिडुला है, यहाँ पर वेसोमोटर सेंटर जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और इसके 2 पार्ट्स हैं, वेसोडायलेटर एरिया एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया। नाउ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया, इसको हम कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर भी बोलते हैं। सिचुएशन, ये जो होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन में ही प्रेजेंट होता है जहाँ की वेसोमोटर सेंटर होता है, और इसको हम प्रेजर एरिया या कार्डियो एक्सेलरेटर एरिया भी बोलते हैं, और इसका फंक्शन होता है हार्ट रेट को इंक्रीज करना, और ये जो होता है अपनी इंपल्स को सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू सेंड करता है, और ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स भी करवाता है। उसके बाद आता है वेसोडायलेटर एरिया, इसको कार्डियो इनहिबिटरी एरिया बोलते हैं, और ये जो सिचुएटेड होता है ये जो वेसोडायलेट कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया होता है उसी के साथ में प्रेजेंट होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन में ही, और इसको हम बोलते हैं डिप्रेसर एरिया। इसका फंक्शन होता है कि ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है बाय सेंडिंग इनहिबिटरी इंपल्सेस, और इसकी जो ये इंपल्सेस जाती हैं ये वेगस नर्व के थ्रू जाती हैं, और ये साथ में डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स भी करवाता है। अपने सेकंड पार्ट पे आएंगे जो कि रेगुलेट करता है हार्ट रेट को, वो है हार्ट रेट जो है वो एफरेंट नर्व्स को रिसीव करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, और इसमें भी दोनों डिवीजन जो होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, पैरासिंपैथेटिक फाइबर्स एंड सिंपैथेटिक फाइबर्स, ये दोनों डिवीजंस जो है हार्ट को सप्लाई करते हैं। पैरासिंपैथेटिक फाइबर्स जो है वो मेडुला ओब्लोंगेटा से ओरिजिन लेते हैं और वेगस नर्व के थ्रू जाते हैं, और जो सिंपैथेटिक फाइबर होते हैं ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके थोरैसिक जो सेगमेंट होता है उससे अराइज होते हैं, यहाँ इस डायग्राम में शो किया गया है। ये ब्रेन का क्रॉस सेक्शन है मेडुला ओब्लोंगेटा का, यहाँ से ये पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जा रहे हैं वेगस नर्व के थ्रू, और यहाँ पे ये आगे जाकर जो वेगस नर्व है ये डिवाइड हो जाती है राइट वेगस नर्व में जो कि एसए नोड को सप्लाई करती है, और सेकंड जो लेफ्ट वेगस नर्व होती है वो एवी नोड को सप्लाई करती है, और इसी तरह से ये पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स को दिखाने के लिए स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन दिखाया है जिसमें कि थोरैसिक सेगमेंट से अराइज हो रही हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, और यहाँ जाकर ये साइनेप्स करती हैं और टर्न हो जाती हैं पोस्ट सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स में, और जो आगे जाकर सप्लाई करते हैं ऐसे नोड को, एवी नोड को और वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को। अब एक बात यहाँ पर और नोटिस करने की है कि जो पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं वो सप्लाई कर रहे हैं ओनली ऐसे नोड को और एवी नोड को, जबकि सिंपैथेटिक जो नर्व फाइबर्स हैं वो वेंट्रिकल को भी सप्लाई कर रहे हैं। अब सबसे पहले आई विल डिस्क्राइब पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं ये कार्डियो इनहिबिटरी नर्व फाइबर्स होते हैं, और जो ये सप्लाई करते हैं हार्ट को ये वेगस नर्व के थ्रू करते हैं, और इनका जो ओरिजिन होता है वो ये डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से अराइज होते हैं,
और ये जो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है ये मिडुला ओब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है और वहीं पे फोर्थ वेंट्रिकल भी होता है, उसके फ्लोर में ये मिलते हैं और ये क्लोज कॉन्टेक्ट टू वैसोडायलेटर एरिया होता है। उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, ये अराइज होते हैं डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से और फिर वहां से होते हुए जाते हैं हार्ट तक। मोस्ट ऑफ जो इसके फाइबर्स होते हैं वो जो राइट वेगस नर्व के हैं वो तो ऐसे नोड को सप्लाई करते हैं जो हमने डायग्राम में देखा था, और जो इसके लेफ्ट वेगस नर्व जो होती है वो एवी नोड को सप्लाई करती है। और जो यहाँ पे जो स्पेशल बात ये है कि जो वेंट्रिकल है उसको वेगस नर्व जो है वो सप्लाई नहीं करती है। फंक्शन वेगस नर्व जो होती है वो कार्डियो इनहिबिटरी होती है फंक्शन में, और ये इनहिबिटरी इंपल्सिस जो है वो सेंड करती है थ्रू वैसोडायलेटर एरिया टू द हार्ट। यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, नर्व फाइबर्स हैं जो अराइज हो रहे हैं इनहिबिटरी सेंटर से और यहाँ से ये अराइज होते हैं, अराइज होते हुए ये जाएंगे ऐसे नोड पे राइट वेगस नर्व के थ्रू और लेफ्ट जो वेगस नर्व है वो यहाँ पे जा रही है एवी नोड को। और इसी तरह से हम आगे जाकर देखेंगे कि जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो अराइज होती हैं एक्सेलरेटर सेंटर से और वो यहाँ पे थोरैसिक स्पाइनल कोर्ड से होती हुई आगे फिर ये जाती हैं एवी एसए नोड को, एवी नोड को और वेंट्रिकल को। इसके बाद वेगल टोन क्या होती है कि जो वैसोडायलेटर एरिया होता है वो कंटिन्यूसली इनहिबिटरी जो नर्व्स इनहिबिटरी इंपल्स होती हैं उनको जनरेट करता है और वेगस नर्व के थ्रू हार्ट तक भेजता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट रेट होती है वो अंडर कंट्रोल रहती है। यहाँ पर ये जो सबसे नोटिस करने वाली बात है कि जो हार्ट रेट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू वेगल टोन। अंडर रेस्टिंग कंडीशन जो वेगल टोन होती है वो डोमिनेट करती है सिंपैथेटिक टोन को। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में सिंपैथेटिक टोन को भी देखेंगे, बट नॉर्मल कंडीशन में इसके हार्ट के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट रहता है वेगल टोन का। इसके बाद है कि अगर हम वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम राइट वेगस नर्व को देखेंगे। राइट वेगस नर्व जो होती है मेनली हमने देखा कि ऐसे नोड को सप्लाई करती है, और जब हम राइट वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं तो हार्ट रेट जो है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है वो रिड्यूस होता है क्योंकि उसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। उसके बाद अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देते हैं तो ऐसे नोड जो है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है, और उसके बाद अगर हम लॉन्ग टाइम तक उस स्टिमुलस को कंटिन्यू रखते हैं तो क्या होगा, ऐसे नोड ने अपना फंक्शन करना बंद कर दिया तो एट्रिया जो है वो बीट नहीं करते हैं बट जो वेंट्रिकल है वो स्टार्ट कर देता है बीट करना, और जो ये फिनोमेनन होता है उसको हम बोलते हैं वेगल एस्केप। तो जो वेगल एस्केप होता है वो होता है कि जो वेगस नर्व का इनहिबिटरी इफेक्ट था उससे जब वेंट्रिकल एस्केप हो जाता है तो उसको बोलते हैं वेगल एस्केप। बट ये जो कॉन्ट्रैक्शंस करता है वेंट्रिकल वो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्लोअर होते हैं एज कंपेयर टू हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट। और अब हम देखेंगे कि इसका कॉज क्या है। जब हमने राइट वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया तो ऐसे नोड ने अपना फंक्शन करना बंद कर दिया, बट हमने जैसा कि देखा था कि जो वेगस नर्व होती है वो एट्रिया को तो सप्लाई करती है बट वेंट्रिकल को सप्लाई नहीं करती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो उसका इनहिबिटरी इफेक्ट है वो वेंट्रिकल पे नहीं आएगा, और ऐसी कंडीशन में वेंट्रिकल का क्या करेगा, एक पेसमेकर की तरह फंक्शन करेगा और ये स्टार्ट कर देगा बीट करना, और इट विल रिजल्ट इन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल, और इसी को हम बोलते हैं वेगल एस्केप। और इसकी जो रिदमिसिटी रहती है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन की ये बहुत ज्यादा कम होती है, ये 20 पर बीट पर मिनट होती है। इसके बाद है कि हम लेफ्ट वेगस नर्व को अगर स्टिमुलेट करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट रहता है। तो अगर लेफ्ट वेगस नर्व जो थी उसके फाइबर्स एवी नोड को सप्लाई कर रहे थे और अगर हम उसको स्टॉपेज कर देते हैं उसका तो एवी नोड जो है वो एक चैनल की तरह फंक्शन करती है, ऐसे नोड की जो इम्पल्स होती है उनको सेंड करती है वेंट्रिकल तक। अगर ये बीच का चैनल या गेट जो है वो बंद हो जाएगा तो वेंट्रिकल को कोई इम्पल्स नहीं जाएगी, तो वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रेक्शन करना बंद कर देगा, और अगर स्टिमुलस वीक होगा
तो क्या होगा, पार्शियल हार्ट ब्लॉक होगा, और बट अगर ये स्टिमुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उस कंडीशन में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। अब मोडोफैक्शन क्या रहता है कि जो ये वैगस नर्व है ये सिक्रेट करती है एसिटाइल कोलीन और उसके थ्रू अपने फंक्शन को करती है। इसके बाद हम देखते हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये कार्डियो एक्सेलरेटरी इन फंक्शन होते हैं और इनका जो ओरिजिन होता है ये थोरैसिक जो सेगमेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, हमने डायग्राम में देखा था, वहां से होता है T1, T2, T3 और T4 से। और ये जो सेगमेंट होता है ये क्या करता है कि वेजोमोटर सेंटर का जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया है वहां से सप्लाई इसको आती है, तो ये क्या करेगा एक्सेलरेटरी इफेक्ट डालेगा इसके ऊपर। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं ये सिंपैथेटिक ट्रंक से होते हुए सुपीरियर मिडल और इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया में जाते हैं, वहां से ये टर्मिनेट हो जाते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में। यहाँ पर हम इसको देखते हैं, यहाँ ये थोरेसिक सेगमेंट दिखाया है स्पाइनल कोड का, यहाँ से जा रही हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, यहाँ से जाकर ये सिंपैथेटिक ट्रंक है, यहाँ पे ये साइनेप्स कर रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स में, जो आगे जाकर सप्लाई कर रहे हैं एसए नोड, एवी नोड और वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को। इसके बाद है सिंपैथेटिक टोन। सिंपैथेटिक टोन जो होती है वो कार्डियो एक्सेलरेटर टोन भी उसको बोला जाता है। ये क्या होता है कि जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया होता है वो कंटिन्यूअसली, जैसे वैगल टोन में वैसो डायलेटर एरिया कंटिन्यूअसली इंपल्स को प्रोड्यूस कर रहा था, इसी तरह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया भी कंटिन्यूअसली इंपल्सेस को जनरेट करता रहता है और वो कोशिश करता है कि हार्ट रेट जो है वो एक्सेलरेट होती रहे। जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसमें हम देखते हैं कि जो वैगल टोन है वो डोमिनेट कर जाती है सिंपैथेटिक टोन पे, बट अगर हम वैगल टोन को वैगस नर्व को कंप्लीटली अगर डीनर्वेट कर देते हैं हार्ट को, तो उस कंडीशन में जो सिंपैथेटिक टोन है वो पावरफुल हो जाती है। सिंपैथेटिक टोन का फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल ज़्यादा होता नहीं है, बट एमरजेंसी की कंडीशन में ये जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक जो टोन होती है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये हम सब जानते हैं। अगर हम किसी हार्ट को कंप्लीटली डिनर्वेट कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी हार्ट की रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इससे ये प्रूव होता है कि अगर वैगल टोन नहीं हो तो जो हार्ट रेट है वो काफी ज्यादा रहेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो वैगल टोन है वो नॉर्मल कंडीशन में डोमिनेट कर रही है। अब सिंपैथेटिक नर्व के स्टिमुलेशन के क्या इफेक्ट होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करेगा। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है, ये एक्शन करता है थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर नोरएड्रेनालिन। थर्ड जो था वो था सेंसरी नर्व फाइबर्स फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से इम्पल्सिस लेकर ब्रेन तक लेकर जाते हैं। जो एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं ये पास करते हैं इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू, और ये जो फाइबर्स होते हैं ये सेंसेशन लेकर जाते हैं स्ट्रेच की, पेन की, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए फिर ये ब्रेन की तरफ जाते हैं। इसके बाद जो फैक्टर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स जो वैसोमोटर सेंटर जो होता है उसको अफेक्ट करते हैं, और जो वैसोमोटर सेंटर है ये रेगुलेट करता है वैगल टोन को। जो वैसोमोटर सेंटर है वो जो है कार्डियक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, और ये जो कार्डियक एक्टिविटीज होती हैं ये किसके थ्रू रेगुलेट कर रहा है, वैगल टोन के थ्रू। तो इसको डिफरेंट सोर्सेज से इम्पल्स आती है, और वो डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ से इम्पल्स आती है और उसके अकॉर्डिंग वो कैसे वैगल टोन को अल्टर करता है और उसकी वजह से कैसे हार्ट रेट कंट्रोल होती है। जो वैसोमोटर सेंटर है ये मेनली कंट्रोल होता है हायर सेंटर से, लाइक सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका जो एरिया 13 होता है वो इमोशनल रिएक्शन से कंसर्न्ड होता है। जब भी कोई इमोशनल कंडीशन होती है तो ये इनहिबिटरी इंपल्सेस जो होती हैं उनको भेजता है वैसोडायलेटर एरिया के पास। अब क्या होगा, वहां से जो वैगल टोन है,
अब वैसोडायलेटर एरिया जो है वो कंट्रोल करेगा वैगल टोन को, तो इनहिबिटरी इंपल्सिस अगर आ रही हैं तो ये रिड्यूस कर देता है वैगल टोन को, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर वैगल टोन डिक्रीज हो जाएगी तो सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज होगी, तो अगर सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज हो रही है तो हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, ये इंक्रीज भी कर सकता है हार्ट रेट को और डिक्रीज भी कर सकता है। तो इसका जो पोस्टीरियर एंड लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है वो तो करेगा टैकीकार्डिया को कॉज, और जो एंटीरियर न्यूक्लियाई है उसका अगर स्टिमुलेशन होता है तो ये ब्रैडीकार्डिया कॉज करता है। उसके बाद आता है इंपल्सिस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सेंटर। जो रेस्पिरेटरी सेंटर से इंपल्सिस जाती हैं वो भी हमारी हार्ट रेट को अफेक्ट करती हैं, इंक्लूडिंग इंस्पिरेशन हमारी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और एक्सपायरेशन के दौरान ये डिक्रीज हो जाती है। और इस फिनोमेनन को हमने पहले भी पढ़ा है कि रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया बोलते हैं। ये साइनस एरिथमिया कैसे होता है, क्योंकि जो इंस्पिरेशन होता है उस दौरान इंपल्सिस कुछ अराइज होती हैं जो रेस्पिरेटरी सेंटर की तरफ जाती हैं, और ये जो इंपल्स होती हैं ये इनहिबिट कर देती हैं वैसोडायलेटर एरिया को, और अगर वैसोडायलेटर एरिया इनहिबिट हो रहा है तो ये वैगल टोन को भी डिक्रीज करेगा, और जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। और एक्सपायरेशन के दौरान ये अपोजिट प्रोसेस होती है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो इंपल्स को भेजना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वैगल टोन इंक्रीज हो जाती है और हार्ट रेट जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद आते हैं बैरोरिसेप्टर्स। ये जो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं ब्लड प्रेशर के चेंज को। ये कहाँ सिचुएटेड रहते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, कैरोटिड बैरोरिसेप्टर एंड ओर्टिक बैरोरिसेप्टर। तो जो कैरोटिड बैरोरिसेप्टर होते हैं ये कैरोटिड बॉडी में रहते हैं, और यहाँ से जो नर्व ऑफ हेडिंग है वो इनको सप्लाई करती है, वो यहाँ से इंपल्स को लेकर जाती है, और ये जो होती है ये ब्रांच होती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की। और इसके बाद जो ऑर्टिक बॉडी है यहाँ पे ऑर्टिक बैरोरिसेप्टर्स रहते हैं, जिनको जो यहाँ से इंपल्स लेके जाते हैं वो ऑर्टिक नर्व है, और ये ब्रांच होती है वेगस नर्व की। और ये जो नर्व फाइबर्स हैं ये इंपल्स को लेकर जाते हैं न्यूक्लियस ऑफ रेक्टस सोलिडेरिस, जो कि वैसोमोटर सेंटर के एडजेसेंट ही होता है। अब ये जो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं ये फंक्शन करते हैं मैरे रिफ्लेक्स के थ्रू, और मैरे रिफ्लेक्स होता है ये उस टाइम पे रिस्पॉन्ड करता है या स्टिमुलेट होता है जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उस दौरान ये कार्डियो इनहिबिटरी रिफ्लेक्सेस देता है। जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ओर्टिक और जो कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, और ये इंपल्स को सेंड करना शुरू कर देते हैं एनटीएस को, और जो एनटीएस होता है ये स्टिमुलेट करता है जाके वैसोडायलेटर एरिया को, और जो वैगल टोन को इंक्रीज कर देता है। अगर वैगल टोन इंक्रीज होगी तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, और इसी तरह से वाइस वर्सा होता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो हार्ट रेट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर होती है, बट ये सिर्फ ये जो रूल है या ये लो है वो सिर्फ रेस्टिंग कंडीशन के लिए है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं लाइक एक्सरसाइज जहाँ पे इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर का भी और हार्ट रेट का भी। फिर कीमोरिसेप्टर्स होते हैं जहां से भी इंपल्सिस जाती हैं, तो अगर ये जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं ये केमिकली अगर ब्लड में कोई चेंज आ रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सिचुएशन इनकी क्या रहती है, कैरोटिड बॉडी और ऑर्टिक बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं एडजेसेंट टू द बैरोरिसेप्टर्स, और सप्लाइड और ये भी सेम ही नर्व के थ्रू सप्लाई करते हैं हेरिंग नर्व और ऑर्टिक नर्व। और इनका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि जब हाइपोक्सिया हो जाए, हाइपरकार्बिया हो जाए, या हाइड्रोजन आयन जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन में ये स्टिमुलेट होते हैं और इनहिबिटरी इंपल्सिस को सेंड कर देते हैं वैसोडायलेटर एरिया को, और उस कंडीशन में वैसोडायलेटर जो होता है वो क्या करेगा, वैगल टोन को डिक्रीज करेगा, जिससे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। और फिफ्थ जो है उसमें हम देखते हैं कि जो राइट एट्रियम होता है वो भी एक रिफ्लेक्स देता है, जिसे बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स बोलते हैं, और ये जो रिफ्लेक्स होता है ये कार्डियो एक्सेलरेटर रिफ्लेक्स होता है जो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ये उस कंडीशन में स्टिमुलेट होते हैं जब वेनस रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जो हार्ट के अंदर हमने पहले देखा कि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं स्ट्रेच और पेन को लेके, तो जब वेनस रिटर्न
वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो क्या करेंगे, इनहिबिटरी इंपल्स को सेंड करेंगे वैसोडायलेटर एरिया को, और उस कंडीशन में वो डिक्रीज कर देता है वेगल टोन को, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। अब हमने इतना कुछ जाना, तो अब ये देखना जरूरी है कि ये हमने ये सब क्यों देखा, क्योंकि जो हार्ट रेट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है हमारी हेल्थ के करंट और फ्यूचर स्टेटस को। तो हार्ट रेट जो होती है वो मार्कर की तरह भी कंसीडर की जाती है कुछ डिजीजेस के लिए, जैसे कार्डियक डिजीज वगैरह, और ये हेल्प कर सकती है आइडेंटिफाई करने में हेल्थ प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हार्ट रेट जो है वो बिलो 60 बीट्स पर मिनट होती है तो उसे बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। फिजियोलॉजिकली कंडीशन में जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं वहाँ पे स्लीप के दौरान, जो हमने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में ही देख लिया था, वहाँ पे कम रहती है। और एथलीट्स में क्योंकि इसको हेल्दी एडेप्टेशन बोलते हैं, एथलीट्स में जो ये कम हो जाती है हार्ट बीट, क्योंकि उनकी जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो वो उनका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। और इसी तरह से पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो होती हैं उनमें हाइपोथर्मिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, हार्ट अटैक, कंजनाइटल हार्ट डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, और कुछ ड्रग्स जैसे होती हैं बीटा ब्लॉकर, चैनल ब्लॉकर और डिजिटेलिस वगैरह जो होती हैं, वो भी ब्रैडीकार्डिया कॉज करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया उसे बोलते हैं कि जब हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट हो जाती हैं। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हम देखते हैं कि चाइल्डहुड, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी में ड्यू टू हार्मोनल रीजंस की वजह से, और इमोशनल कंडीशन में सिंपैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है, तो इनकी वजह से टैकीकार्डिया हो जाता है। और जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसमें फीवर, एनीमिया, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर सिक्रेशन ऑफ कैटेकोलामाइंस, कार्डियोमायोपैथी, डिजीज ऑफ हार्ट वॉल्स वगैरह जो होते हैं वो कॉज करते हैं टैकीकार्डिया। अब इसका जैसे कि हम देखते हैं कि चाहे कोई न्यू कंसेप्ट हो या ओल्ड कंसेप्ट हो, उसका आयुर्वेद में जरूर संदर्भ मिलता है, तो इसका भी हम आयुर्वेद में देख सकते हैं। देहि नाम हृदयम देहे सुख दुख प्रकाशकम तत् संकोच च विकासं च स्वतः कुरेत पुनः पुनः, संकोचने बहिर्याति वायुर अंत विकास ततो नाड़ चलंत्य असृग धराया सफूर्णम ततः। ये योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध सर्ग का संदर्भ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हेलो, हाँ जी मैम, जो मनुष्य होते हैं उनके देहे में जो हृदय होता है वह सुख और दुख को दिखाने वाला होता है। जैसे कि हम चरक में भी पढ़ते हैं कि सुख संज्ञकम आरोग्यम, और दुख जो होता है वो रोग को बोला गया है और सुख जो है वो आरोग्य को बोला गया है। तो जो हम कह रहे थे कि हेल्थ को ये जो है हेल्थ और डिजीज को वो इंडिकेट करता है, तो ये यहाँ पे भी बोला गया है। और यहाँ पे बताया है कि संकोच और विकास की प्रक्रिया होती है इसमें स्वतः होती है और पुनः पुनः होती है। यहाँ पे ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड एक संदर्भ मिलता है। संकोचन करने पर तो इससे वायु और असृग जो है वो बाहर जाते हैं, और जब ये विकास करता है तो वापिस आते हैं, और जो नाड़ी के स्फुरण का कारण है वो भी यही होता है। थैंक यू ऑल। Thank you so much, Dr. Punita Sharma, for your awesome ma'am, मैं continue करना चाहती हूँ Dr. Babita ma'am का, उन्होंने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया कि मैं यहाँ पे present कर सकूँ। और साथ में मैं special thanks कहना चाहती हूँ Dr. C.R. यादव sir and Dr. Mahendra Prajapati sir, जिन्होंने मुझे guide किया, and सभी श्रोतागणों को भी मैं thank you बोलना चाहती हूँ। Thank you so much. Obviously, vote of important होता है. So, thank you so much, Dr. Punita Sharma. आपकी presentation बहुत ही अच्छी थी और आपने बहुत ही creatively आपने सारे concepts को present करा. And I must say, आपने जो diagrams creatively use करे उसके वजह से I'm very sure कि हमारे audience को connect करने में और समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. तो thank you so much. चलिए अब बढ़ते हैं हमारे scientific session के presentations के second part की तरफ. जी हाँ, ये बहुत ही interesting segment है जिसमें हम लेकर आते हैं undergraduate UG BMS first year के students को. तो
आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड मिस ममता कासवान हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं. शी इज स्टूडेंट ऑफ बीएमएस फर्स्ट ईयर फ्रॉम अष्टांग शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर से. सो लेट अस इनवाइट मिस ममता कासवान. आज वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगी अपनी प्रेजेंटेशन हाइपरटेंशन टॉपिक पे. सो लेट्स इनवाइट हर. मिस ममता कासवान, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आइए हमारे दर्शकों से जुड़िए. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सर. आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, यस यू आर ऑडिबल, कंटिन्यू. सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मेरा कुछ प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला है, और स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगी डॉक्टर एपीएस चौहान सर और डॉक्टर अनुरुचि मैम को, जिन्होंने हमें इस वाइडली वे में पढ़ाया है कि हमने आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस को कोरिलेट करके हर टॉपिक को किया है. तो मैंने मेरा टॉपिक है वो हाइपरटेंशन चूज किया है, आजकल ये बहुत कॉमन डिजीज है. तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन और मेरा इंट्रो, माई सेल्फ ममता कासवान फ्रॉम गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर. मैम स्लाइड दिख रही है? मैम आपकी आपकी स्लाइड विजिबल है ना, करिए प्रेजेंटेशन. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हाइपरटेंशन टर्म है वो कहां से आई. तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का आइडिया होना चाहिए. ब्लड प्रेशर क्या है कि आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड के द्वारा उनकी लेटरल वॉल पे जो प्रेशर लगता है उसको हम आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं. इसको चार डिफरेंट टर्म्स में एक्सप्रेस किया है. एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. जब अपना हार्ट सिस्टोल होता है उस टाइम इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसकी नॉर्मल सिस्टोलिक जो वैल्यू होती है वो होती है 120 mmHg, जो 110 से 140 के बीच में वेरी करती है. एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो हार्ट के डायस्टोल के टाइम पे होता है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू 80 mmHg होती है, जो 60 से 80 के बीच वेरी करती है. एक होता है पल्स प्रेशर, जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, जो 40 mmHg होता है. एक होता है मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, जो डायस्टोलिक प्रेशर और पल्स प्रेशर का 1/3 होता है. अगर हम आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन की बात करें तो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस डॉक्टर विनीता मैम और डॉक्टर पुनीता मैम ने बताए थे, वैसे ही कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस में एज के साथ भी जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है और खाना खाने के कुछ देर बाद के लिए अपना कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता है. जेंडर पे भी डिपेंड होता है. फीमेल्स में मेनोपॉज के टाइम पे ब्लड प्रेशर कम रहता है, बाद में सेम हो जाता है, और एक्सरसाइज के टाइम पे बढ़ जाता है, और एंजाइटी वगैरह के टाइम में बढ़ जाता है. तो इसके मैकेनिज्म मॉडर्न साइंस ने चार मैकेनिज्म बताई हैं इसकी. एक है नर्वस मैकेनिज्म, जो वेजोमोटर सेंटर से कंट्रोल होती है. एक होती है रीनल मैकेनिज्म, जो ईसीएफ वॉल्यूम और रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म से कंट्रोल होती है. एक होती है हार्मोनल मैकेनिज्म, जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर और वेजोडायलेटर हार्मोन से कंट्रोल होती है. एक होती है लोकल मैकेनिज्म, जो वहाँ के लोकल हार्मोन से कंट्रोल होती है. हाइपरटेंशन, एक पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. पैथोलॉजिकल चेंजेस में फिर एक हाइपरटेंशन और एक हाइपोटेंशन. हाइपरटेंशन जब अपना ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है, इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम है वो दिखाई नहीं देते, एसिम्टोमेटिक होता है. इसलिए यूजुअली हाइपरटेंशन डिफाइंड एज ए ब्लड प्रेशर अबव 140/90 एंड इज कंसिडर्ड सीवियर इफ द प्रेशर इज अबव 180/120, क्योंकि इससे ऊपर होने पर अपने जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट है, किडनी है, इनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है. मेजर्ड बाय स्फिग्नोमैनोमीटर, इट हैज बीन फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट्स इज राइजिंग इन स्पाइट ऑफ नंबर ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इन मॉडर्न मेडिसिन. ह्यूमन रेस टुडे इज लुकिंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा इन सर्च ऑफ एन आइडियल एंड सेफ ट्रीटमेंट. अगर एक रिसर्च की WHO की रिसर्च की बात करें तो एक साल में लगभग 9 मिलियन जो लोग हैं उनकी डेथ है वो हाइपरटेंशन से रिलेटेड डिजीज की वजह से होती है, और इवन अमेरिका में हर 3 में से 1 पर्सन को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है. तो इसलिए लोग चाहते हैं कि इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो कि या तो अपने को हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम ही नहीं हो, अगर हो तो उसके कोई साइड इफेक्ट या तो हो नहीं हो तो कम से कम हो. ये कॉमनेस्ट क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. मोस्टली पेशेंट वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बट अदर हैंड इट इज
It causes target organ damages. It also a major risk factor for coronary vascular disease like stroke and myocardial infarction. अगर आयुर्वेदा में हम इसकी बात करें तो आयुर्वेदा में इसका कोई अलग से ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि हाइपरटेंशन नाम से कोई डिजीज होती है, तो इसके लिए हम कोई लीनियर अप्रोच ट्राई नहीं कर सकते. इसके कई हेतु हो सकते हैं, अगर कई हेतु होते हैं तो इसके निदान की भी फिर कई टेक्निक होते हैं. तो हम इसके लिए थ्री पॉसिबिलिटीज कंसिडर करते हैं. एक होती है पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेज इन फॉर्म ऑफ विटेशन ऑफ दोसा वात पित्त एंड कफ धातु एंड मलादृष्टि. साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो डिस्टर्बेंस एट द लेवल ऑफ मन. और स्ट्रक्चरल चेंजेस में एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन ऑन वेरियस ऑर्गन्स लाइक हार्ट ब्लड वेसल्स एंड किडनी. हाइपरटेंशन के कुछ की फैक्टर्स जो मैंने मोस्टली आयुर्वेदा से रिलेटेड करके ही लिखे हैं. पहले हम प्राणवायु की बात करते हैं. तो जो अपना प्राणवायु है उसको मॉडर्न साइंस के नर्वस सिस्टम से कंपेयर किया गया है. इन मॉडर्न साइंस द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम हैव बीन डिस्क्राइब्ड सिमिलर टू डिस्क्रिप्शन ऑफ प्राणवायु. In addition, this vasomotor center controls the blood pressure by autonomic nervous system. Similarly, pranavayu also controls the regulation of blood pressure by controlling janvayu. Uray kantha charu buddhi hrdaye nide indriya uchitadhrit sthivanam chaudu udgar nishwas anna pravesh karat. Ye apne ur bhag aur kanth mein rehte hue apne buddhi hrdaye indriya in sab ko control karta hai. Sthivan thookna chaudu chhinkna udgar dakar lena ye jo रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड निश्वासन एक्सप्रेशन और ये अनप्रवेश कर इन सबको ये कंट्रोल करता है. व्यान वायु की बात करें तो व्यान वायु है वो अपने जो रस है रक्त है उनको पूरी बॉडी में फैलाता है. उनका व्यान वायु का ये फंक्शन होता है. तो व्यान वायु आल्सो इज सेड टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट इन द बॉडी. विद द हेल्प ऑफ व्यान वायु हर टाइप वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो बॉडी है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई कर पाएगा. सो इट सजेस्ट इन द Involvement of vyanvayu is regulation of blood pressure. समान वायु की बात करें तो समान वायु है वो अपने वैसे तो फूड को है ना डाइजेस्टेड फूड को अलग अलग भाग में करता है सार भाग और किट भाग. फिर वो जो सार भाग होता है वो अपने हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है. तो अकॉर्डिंग टू सारंगधर आफ्टर द डाइजेशन प्रोसेस समान वायु हेल्प्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रसा इन टू द हार्ट एंड फ्रॉम देयर इट. अपान वायु की बात करें तो अपान वायु अपने पेल्विक रीजन से रिलेटेड होती है. ये जो आर्तव है शुक्र है गर्भ है और पुरुष मूत्र इन सब के वेग को कंट्रोल करती है. तो विटेशन ऑफ अपान वायु हैम्पर्स द एक्सप्रेशन ऑफ पुरुष एंड मूत्र अफेक्टिंग होम्योस्टेसिस विच में अफेक्ट ब्लड प्रेशर. अगर पुरुष और मूत्र का प्रॉपर वेग नहीं रहेगा तो अपना होम्योस्टेसिस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा जिससे अपना ब्लड प्रेशर में भी इफेक्ट हो सकता है. अवलंब कफ की बात करें तो अवलंब कफ है वो अपने जो बाकी के पांच कफ होते हैं जैसे उन चार को भी यही कफ है वो बल प्रदान करता है और ये अपने हार्ट को भी हेल्दी रखता है. नॉर्मल रिदम कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड टोन ऑफ कार्डियक मसल्स कैन बी कोरिलेटेड विद द फंक्शन ऑफ अवलंब कफा. दस इट कीप्स हार्ट इन ए हेल्दी स्टेट एंड इनहेंस इट्स कंटिन्यूस पंपिंग कैपेसिटी. मन की बात करें तो मन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. मन इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द हाइपरटेंशन एंड द डिजीज शुड बी कंसिडर्ड एज साइकोमेटिक. मानस भावास लाइक चिंता वरी क्रोध एंगर भय फियर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन हाइपरटेंशन क्योंकि इनकी वजह से अपना एड्रेनलिन है वो सीक्रेट होता है और एड्रेनलिन एक वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है जिससे जो अपने हार्ट की सारी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देता है. अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो वही कि इसका लिए कोई लीनियर अप्रोच नहीं है तो हमें इसके लिए पंचकर्मा जैसी जो शोधन प्रोड्यूसर्स हैं उन सबको देखना रहता है. तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू दोसा एंड दुस्से एंड मानस भावाद. और आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट रहता है उसमें पहले हम प्रकृति भी देखते हैं कि कौन सी प्रकृति है वात पित्त कफ उसके अकॉर्डिंग है वो और कौन सी प्रकृति है उसकी मतलब वात डिस्टर्ब है उसके अकॉर्डिंग उसका जो ट्रीटमेंट है वो होता है. तो पंचकर्मा में सबसे पहले अभ्यंग की बात करें. अभ्यंग होता है मसाज. सर्वांग अभ्यंग मतलब जो पूरी बॉडी की मसाज है. विद स्पेशली मोलेटेड ऑयल्स हेल्प टू इंक्रीज इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. It corrects and enhances the blood flow in healthy manners. वमन विरेचन बात करें. वमन विरेचन MSS and purgative therapy. तो वो वमन विरेचन वो सब है वो जो प्रकृति होती है उसको देखे किया जाता है कि कौन सी प्रकृति है इसका बल कैसा है कौन सा दोष है वो ज्यादा प्रधान है उस सबको देखे किया जाता है. If the patient have उत्तम बल and having mild or moderate type of hypertension without any other complication that then southern producers like vaman virechan can be advised according to dosa pradhane. basti ki baat kare to basti mainly vat disorder ke liye hoti hai aur abhi humne dekha ki apne jo
साथ जो वायु के अपने चार प्रकार हैं, पांच प्रकार हैं, उनमें से देखा कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो बस्ती का भी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। बस्ती में होता है कि कुछ मेडिकेटेड ड्रग्स एंड ऑयल्स होते हैं, उनको एनल रीजन से दिया जाता है और ये मेनली वात डिसऑर्डर्स के लिए होता है। डाइट की बात करें तो डाइट का हाइपरटेंशन में एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। डाइटरी मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और पोटेंशियली कॉम्बैट एंड रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। लोअरिंग सोडियम इनटेक स्पेशली फ्रॉम टेबल साल्ट रिड्यूसेस एक्सेसिव वाटर रिटेंशन व्हिच हेल्प्स मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जो सोडियम होता है वो अपने नेफ्रॉन से वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिससे अपना इससे वॉल्यूम वगैरह बढ़ जाता है तो वहां से ब्लड प्रेशर उससे रिलेट होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ NaCl इज टॉक्सिक एंड डैमेजिंग द आर्टरीज एंड अदर टिश्यूज व्हिच मे इनिशिएट एथेरोस्क्लेरोसिस एंड लीड टू हाइपरटेंशन। वी हैव ट्राइड टू फॉलो डैश डाइट। डैश डाइट मॉडर्न साइंस में टर्म होती है डैश डाइट, तो उसमें फॉलो चार्ट रहता है फूड का कि किस टाइम क्या खाना है कौन सी चीज। तो डैश मतलब होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। आचार्य चरक हैज आल्सो कंसीडर्ड लवण एज ए सब्सटेंस नॉट टू बी यूज्ड इन एक्सेसिव क्वांटिटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। आचार्य चरक ने भी लवण नाम से एक बताया है, लेकिन उसको हम ज्यादा एक सही क्वांटिटी और एक सही ड्यूरेशन में यूज करना चाहिए। त्रिफला, त्रिफला भी हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है। त्रिफला वो हरित की बहेड़ा और आंवला से मिलकर बना होता है। इनका 1:2:4 का रेशियो रहता है। योगा की बात करें तो योगा वो अपने अगर हम जिम जाते हैं तो अपने सिर्फ फिजिकली फिट रहते हैं, अगर हम योगा करते हैं तो हम मेंटल और फिजिकली फिट रहते हैं। और किसी भी चीज़ का आउटपुट मैक्सिमम तभी होता है जब हम फिजिकली और मेंटली फिट रहते हैं। तो स्ट्रेस रिडक्शन फ्रॉम प्रैक्टिसाइजिंग मेडिटेशन योगा एंड अदर माइंड बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स कैन लोअर ब्लड प्रेशर। श्वसन, सुखासन, धनुरासन, मकरासन, वज्रासन एवं सूर्य नमस्कार अलोंग विद रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम आर फाउंड टू बी वेरी केयरफुल फॉर लोअरिंग ब्लड प्रेशर इन नॉर्मल एज वेल एज हाइपरसेंसिटिव। अरे खोल, स्टॉपर लगा दे। एंड एडॉप्टेड में क्या चेंजेस आ रहा है इसको अपने लाइफस्टाइल में अपने योगा postures help in regulating the blood pressure by stabilizing the sympathetic and parasympathetic nervous system and bring balance to the autonomic nervous system, a center that controls stress. Smoking, quitting smoking. Smoking से भी ये होता है कि जो अपने artery जो होती हैं उनमें arteriosclerosis होने लगता है जिससे blood pressure बढ़ जाता है। तो discontinuing tobacco use in any form has also shown the lower blood pressure. द टार ऑफ स्मोक, टार होता है टोबेको के बर्न होने के बाद में एक जो बचता है उससे मेनली एक कार्सिनोजन होता है, लंग के जो कैंसर वगैरह उनको करता है। तो द टार ऑफ स्मोक एंड द इंजीरियस कंपोनेंट्स ऑफ द टोबेको प्रोड्यूस हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, प्लेक इन द ब्लड वेसल्स विच कैन मेक नैरोइंग ऑफ इनर डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। एब्सटेंसिंग फ्रॉम सिगरेट स्मोकिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। अदर फैक्टर्स में देखें तो वेट लॉस, अगर अपना वेट गेन मतलब वेट ज़्यादा रहता है तो जो फैट बॉडीज होती हैं कोलेस्ट्रॉल होता है वो आर्टरीज में डिपॉजिट होने लगता है जिससे उनका डायमीटर कम हो जाता है। तो रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस बर्डन ऑन द वेस्कुलर सिस्टम, रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव ब्लड फ्लो एंड हेल्प्स द रिड्यूस रेस्टिंग हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। एल्कोहल कंजप्शन की बात करें तो एल्कोहल कंजप्शन कैन इनहेंस द फैट एक्यूमुलेशन, ऑब्वियस पीपल ऑफन हैव हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन जैसे हो ही नहीं अपने को, क्योंकि आयुर्वेदा का मेन हम यही रहता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा ही करें। फिर अगर उसको डिजीज होते हैं तो आतुर से विकार प्रसन्नम च उसके हम रोगों का निवारण करें। तो उसके लिए हमें दिनचर्या और ऋतुचर्या को फॉलो करना चाहिए। और जैसे अपने ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के टाइम 3:30-4:30 के बीच पीनियल ग्लैंड का जो मेलाटोनिन सेक्रेशन है वो मैक्सिमम रहता है, जो हैप्पीनेस का रीजन होता है। और अगर टाइम से सो रहे हैं टाइम से उठ रहे हैं तो अपना वात भी नॉर्मल रहता है, तो इससे हाइपरटेंशन जैसे डिजीजेस होंगे ही नहीं। थैंक यू। थैंक
Thank you, Ms. Mamta. And I must say congratulations to you. In spite of being the most junior, in spite of being first year BMS student, आपने बहुत ही खूबसूरती से अपने presentation को हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया. And I'm very sure कि आपने अपने जैसे students, अपने classmates को encourage किया होगा इस तरह voluntarily आगे आने के लिए और अपनी knowledge हम सभी के साथ share करने के लिए. Thank you so much. Congratulations and best wishes to you for your future. चलिए तो आज का हमारा यह सत्र यहीं समाप्त होता है. मुझे आशा है कि आपको यह सत्र बहुत अच्छा लगा होगा और अब हम आपसे मिलेंगे 25 जुलाई. जी हाँ, 25 जुलाई को चरक जयंती है और उस उपलक्ष्य में वैद्य मित्रम आपके लिए ला रहा है एक बहुत ही खास प्रोग्राम. तो शाम को 4 बजे इसी चैनल पर हम आपसे पुनः जुड़ेंगे एक बहुत ही खास कार्यक्रम के साथ. तो हमसे जुड़ना ना भूलिएगा. तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, आप सभी स्वस्थ रहें, भगवान धन्वंतरि की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं चलती हूँ. तो थैंक यू सो मच. जयतु आयुर्वेद.